साईराम चिल्ड्रेन, गुड मॉर्निंग बेटा। कैसे हैं आप लोग? ठीक है, वेरी गुड। मुझे मालूम है आप सब लोग बहुत अच्छे से हैं। सब लोग अपनी अपनी केयर करते हैं और अपने मम्मी पापा की भी केयर करते हैं और भैया दीदी की भी केयर करते हैं, क्योंकि आप लोग घर में सबसे समझदार व्यक्ति है ना। सबका ध्यान रखते हैं और अपना भी ध्यान रखते हैं। और जब भी कहीं जाते हैं तो क्या करते हैं, मास्क लगा कर जाते हैं, और जब बाहर से आते हैं तो क्या करते हैं, अपने हैंड्स को क्लीन करते हैं और दूसरों से भी करवाते हैं, है ना। और साथ में अच्छे अच्छे काम भी करते हैं, मम्मी पापा का भी कहना मानते हैं, भैया दीदी का भी कहना मानते हैं, और मम्मी जो कहती है वो तो हम स्पेशली करते हैं, क्योंकि मम्मी तो हमको बहुत जगह पर हेल्प करती है, तो हम भी मम्मी की हेल्प करते हैं। छोटे छोटे काम करना चाहिए, जैसे कि पानी दे दिया, कोई चीज उठा कर दे दिया, फुर्ती से आगे आगे काम करना चाहिए, क्योंकि अभी तो हम फुर्तीले हैं, खूब अच्छे से काम कर सकते हैं। छोटे हैं तो भाग भी सकते हैं, बार बार खड़े भी हो सकते हैं, बैठ भी सकते हैं, है ना। मम्मी तो दिन भर काम करके थक जाती है, और हमको मम्मी की हेल्प करने में मजा भी आता है। कई बार मम्मी मना कर देती है, लेकिन मम्मी की इच्छा तो रहती है, लेकिन मम्मी को डर लगता है कि कहीं आप कोई काम खराब ना कर दो। कोई बात नहीं, एक बार खराब होगा, दो बार खराब होगा, लेकिन धीरे धीरे जब हम करेंगे तो हम उस काम को करना सीख जाएंगे और हम फिर दोबारा गलती नहीं करेंगे। इसीलिए मम्मी से बोला कि हमें छोटे छोटे से काम करने के लिए दिया करो। जैसे कि पोटेटो है, पोटेटो को मम्मी ने बॉईल कर दिया, अब मम्मी ने आपको ठंडे करके वो आपको दे दिया, लो बेटा इसको प्लेट में रख लो और इनको धीरे धीरे से इनके छिलके निकालो, इनको पील करो, ठीक है ना। तो आपको क्या होगा, आपको भी मजा आएगा कि आपने मम्मी की हेल्प की, और मम्मी को भी अच्छा लगेगा कि आपने उनकी हेल्प की और मम्मी का काम जल्दी से फिनिश हो गया, है ना। तो छोटे छोटे काम, जब तक हम घर पे हैं, मम्मी पापा की सभी की छोटे छोटे कामों में हेल्प करनी चाहिए, ठीक है। चलिए, अच्छा अब एक चीज हम मुझे आपसे पूछना है कि आप लोग वीडियो देखते हैं ना, आप जब वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी, ठीक है, और उसमें बहुत सारी चीजों में आपको बहुत मजा भी आने वाला है। तो आप वीडियो ध्यान से रोज देखा करें, ठीक है। अब मैं बात करूंगी आज फ्रूट्स की। किसकी बात करूंगी? फ्रूट्स की। मुझे मालूम है आप सब लोगों को फ्रूट्स बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत पसंद है ना। और जो फ्रूट्स हम खाते हैं, कभी आपने ध्यान दिया है कि उसके अंदर कितने सीड होते हैं? सीड मींस बीज, सीड मींस बीज। जैसे हम वाटरमेलन खाते हैं, ठीक है, तो क्या उसमें सीड होता है? होता है। किस कलर के होते हैं? किसी में ब्राउन निकलते हैं और किसी में ब्लैक रहते हैं, है ना। तो हमको जब हम वो सीड को खाते हैं तो क्या हम फ्रूट्स को खाते हैं तो क्या हम हर एक फ्रूट के सीड को खा सकते हैं? नहीं खा सकते हैं। हर एक फ्रूट के सीड को हम नहीं खा सकते। किसी फ्रूट के सीड को हमें फेंकना पड़ता है और किसी फ्रूट के सीड को हम खा जाते हैं, है ना। तो अच्छा, आपने कभी बनाना खाया? हमेशा बनाना खाते, आपको बनाना खाना पसंद है, तो आपने कभी देखा कि बनाना में सीड होते हैं क्या? होते हैं? नहीं होते हैं। ऐसे ही एक दो और फ्रूट्स हैं जिसमें कि सीड नहीं निकलता है जब हम खाते हैं। हाँ, कभी ये हो सकता है कि जब वो पक जाता है तो उसमें सीड आ जाते हैं, जैसे ग्रेप्स। ग्रेप्स में सीड होते हैं क्या? नहीं होते हैं। ग्रेप्स में भी सीड नहीं होते, जो हम खाते हैं उसमें नहीं होते हैं। बाद में जब वो पक जाता है तो उसमें सीड बनने लगते हैं। जो पक जाता है तो हम उसमें से, किसी किसी में बड़ा वाला ग्रेप्स होता है उससे मुनक्का बन जाता है, और जो छोटा वाला रहता है उससे किशमिश बन जाती। क्या बन जाती है? किशमिश बन जाती है। जब वो कब? जब वो पक जाता है और पककर ड्राई हो जाता है। तो दो फ्रूट्स ऐसे हैं जिसमें सीड बीज नहीं होता है, जिसमें बीज नहीं होता है वो सीड लेस होते हैं, सीड लेस होते हैं, विदाउट सीड होते हैं। और कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जिसमें एक ही सीड रहता है, एक ही बीज रहता है। वो कौन कौन से फ्रूट हैं? आपने खाया है कभी? बताओ, याद होगा आपने तो। अभी समर में, अभी अभी समर में जब समर गया है तो हमने बहुत सारा खाया है वो वाला फ्रूट, चूस के खाया है। बताइए कौन सा है? यस, मैंगो। मैंगो में कितने सीड निकलते हैं? ओनली वन सीड, ओनली वन सीड।
जामुन भी खाए, अभी ब्लैकबेरी खाया ना हमने, उसमें कितने सीड होते हैं? वन। हाउ मेनी सीड? ओनली वन सीड इन ब्लैक बेरी। जामुन को क्या बोलते हैं? ब्लैक बेरी। इसी तरीके से अभी विंटर में आता है आंवला, आंवले को क्या बोलते हैं? गूस बेरी। आंवला क्या है? गूस बेरी। उसमें भी कितना सीड निकलता है? कभी आप ध्यान से देखना आंवले में कितने सीड रहते हैं, मम्मी से पूछना, मम्मी बता देगी। ओनली वन सीड, ओनली वन सीड। ऐसे बहुत सारे फ्रूट हैं जिसमें कि सिर्फ वन सीड रहता है। अब आता है मैनी सीड। अभी तक हमने कितने कितने तरह के फ्रूट देख लिए? टू टाइप्स के, जिसमें एक तो विदाउट सीड होता है, सीड लेस फ्रूट होते हैं, और एक होता है वन सीड। अब वन सीड के बाद में मैनी सीड। कुछ ऐसे फ्रूट होते हैं जिसमें कि बहुत सारे बीज होते हैं, और कुछ हम खा जाते हैं और कुछ फ्रूट्स के बीज को हमको फेंकना पड़ता है, उनको बाहर निकाल के ही हम खा सकते हैं। ऐसे कौन कौन से फ्रूट्स हैं बताइए? यस, सबसे पहले क्या आता है? पपाया। पपाया आपने कभी काट के देखा है? कभी जब मम्मी काटती है तो आपने देखा कि इसमें से क्या निकलता है और कितने सीड निकलते हैं? पपाया में से बहुत सारे सीड निकलते हैं। कुछ व्हाइट होते हैं, किसी में ब्लैक निकलते हैं, किसी में ब्राउन निकल आते हैं, लेकिन हम उस सीड को नहीं खा सकते हैं, हमें वो सीड बाहर निकालना पड़ता है। जब हम बाहर निकाल देते हैं तो फिर हम उसको, पपाया को खा सकते हैं। क्या हम उसके सीड को काउंट कर सकते हैं? नहीं काउंट कर सकते, बहुत सारे निकलते हैं। तो पपाया कैसा फ्रूट हो गया? मैनी सीड वाला फ्रूट हो गया। कैसा हो गया? मैनी सीड वाला। इसी तरीके से और भी बहुत सारी चीजें, ग्वावा, जामफल आप खाते हैं ना, अभी भी आ रहा है, बारिश में भी आता है, फिर विंटर में भी आता है, लेकिन ग्वावा के सीड तो बहुत टेस्टी होते हैं, हम उसको खा जाते हैं, हम उसको खा जाते हैं। क्या हम उसके सीड को काउंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, उसमें बहुत सारे सीड होते हैं। तो वो कैसा फ्रूट हो गया? मैनी सीड वाला फ्रूट हो गया। ठीक है, चलिए अब हम इसी की कुछ पिक्चर्स देखते हैं और आपको समझाते हैं कि सीडलेस फ्रूट, वन सीड फ्रूट एंड मैनी सीड फ्रूट। ठीक है, चलिए इसकी हम पिक्चर्स देखते हैं, आपको मजा आएगा। ये देखिए, ये क्या है? यस, आइडेंटिफिकेशन ऑफ सीडलेस वन सीड एंड मैनी सीड्स फ्रूट्स। ठीक है, हमको वो पहचानना है, कौन से फ्रूट्स पहचानना है जो कि जिसमें कि एक भी बीज नहीं रहता है, या किसी फ्रूट में वन सीड रहता है और कुछ फ्रूट्स में बहुत सारे सीड्स, मैनी सीड्स, एक से ज्यादा सीड्स रहते हैं, मैनी या एक से ज्यादा सीड रहते हैं, ऐसे फ्रूट्स हमको देखना है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टाइम से जब कोई भी फ्रूट्स खाएंगे तो हम देखेंगे कि उसमें कितने सीड हैं, वो विदाउट सीड है या फिर वन सीड फ्रूट है या फिर मैनी सीड है, एक से ज्यादा उसमें सीड्स हैं। ठीक है, चलिए, यस, एग्जांपल्स ऑफ सीडलेस फ्रूट्स। सीडलेस मींस मैंने क्या बताया था? जिसमें कि बीज नहीं होता है। तो सबसे पहले हमने क्या देखा था, क्या देख रहे हैं हम? ग्रेप्स। और ग्रेप्स का ये पेड़ है, इस तरीके से ग्रेप्स ट्री में लगे होते हैं। ठीक है, ग्रेप्स, ग्रेप्स में, ग्रेप्स कैसा फ्रूट है? सीडलेस फ्रूट, सीडलेस फ्रूट, विदाउट सीड। बनाना, बनाना में भी सीड नहीं होते हैं और वो विदाउट सीड होता है, सीडलेस फ्रूट होता है। ठीक है, और ये बनाना ट्री है, ये देखिए इस तरीके से इसमें ग्रीन कलर के बनाना लगे हुए हैं, जब ये पक जाते हैं तो किस कलर के हो जाते हैं? येलो कलर के हो जाते हैं। ठीक है, तो बनाना भी कैसा फ्रूट है? सीडलेस फ्रूट, विदाउट सीड। अब जब नेक्स्ट टाइम आप खाएंगे तो आप ध्यान से देखना कि बनाना में
एक भी सीड नहीं है, विदाउट सीड है, सीड लेस फ्रूट है बनाना। एग्जाम्पल्स ऑफ वन सीड फ्रूट्स, वन सीड जिसमें कि सिर्फ ओनली वन सीड होता है, एक ही बीज होता है, अब हम ऐसे फ्रूट्स को देखेंगे। ठीक है, ये क्या है? आंवला, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? आंवला। और आंवले को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? गूज बेरी, गूज बेरी। आंवले को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? गूज बेरी, दिस इज गूज बेरी। और गूज बेरी का ये क्या है? ट्री है। ये इस तरीके से गूज बेरी ट्रीज में लगे होते हैं, पास पास में खूब सारे एक साथ में लगे रहते हैं। देखिए इसमें ओनली वन सीड इज गूज बेरी, दिख रहा है आपको? ध्यान से देख पा रहे हैं? ये देखिए यहाँ पे सिर्फ आपको ओनली वन सीड नजर आ रहा है, ठीक है ना? तो दिस इज गूज बेरी। तो ये कैसा फ्रूट है? विदाउट सीड, वन सीड फ्रूट। ये कैसा है? वन सीड फ्रूट, ठीक है? दिस इज गूज बेरी। नाउ कम चेरी, ये क्या है? चेरी। चेरी तो आपको बहुत पसंद है, ये केक में भी रहती है, आइसक्रीम में भी रहती है, तो सब लोग केक की चेरी निकाल निकाल के खा जाते हैं, है ना? तो ये क्या है? ये भी वन सीड फ्रूट है। ये देखिए इसमें भी वन सीड है, सिर्फ बीच में एक ही बीज है, ज्यादा सीड इसमें नहीं है। और ये इसका पेड़ है, प्लांट है, और इसमें देखो कितने सारे बंच में क्या लगी हुई है? चेरी लगी हुई है। और ये चेरी किस कलर की है? रेड कलर की चेरी है, ठीक है? तो चेरी कैसा फ्रूट हो गया हमारा? वन सीड फ्रूट। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। ओके, ये क्या है? एवोकाडो, एवोकाडो। ये आजकल मार्केट में मिलने लग गया है, पहले नहीं मिलता था, आजकल जब हम मॉल में जाते हैं तो ये हमें दिख जाता है। आप जब भी कहीं मॉल में बाहर जाए तो आप इसको पूछेंगे तो वो आपको बताएंगे कि एवोकाडो कैसा होता है। ये भी देखिए इसमें भी सिर्फ वन सीड है, ये देखो यहाँ पे सिर्फ वन सीड है। सो एवोकाडो आल्सो इन वन सीड फ्रूट, वन सीड फ्रूट। नेक्स्ट एप्रिकॉट, एप्रिकॉट तो आजकल मजाक में मिलने लगा है, दिखने भी लगा है, तो ये बहुत टेस्टी होता है और इसका टेस्ट बहुत बहुत टेस्टी होता है। आप जब खाएंगे ना कभी तो आप उसको टेस्ट करना, अगर मार्केट में मिलता है तो आप इसको जरूर लेना और खा कर देखना। और जब आप खाएंगे तो इसमें भी आपको वन सीड ही मिलेगा, ये देखिए ओनली वन सीड इज देयर। और इसका ये प्लांट है, इसका ये ट्री है, इसमें इस तरीके से ये सारे एप्रिकॉट्स लगे हुए हैं। ये ऑरेंज और रेड कलर में मिक्स कलर रहता है इसका, ये मार्केट में मिलते हैं, आजकल मिलने लगा है। आप पूछेंगे एप्रिकॉट तो आपको ये मिल जाएगा बाजार में, ठीक है? दिस इज कॉल्ड एप्रिकॉट, एंड एप्रिकॉट इज वन सीड फ्रूट, वन सीड फ्रूट। डेट्स, ये तो आप जानते होंगे क्या है? क्या है? खजूर। क्या है? खजूर। खजूर भी जब आप खाते हैं तो इसमें एक खजूर में एक ही सीड निकलता है, ये इतने सारे सीड ये दूसरे इनके हैं, दूसरे दूसरे डेट्स के हैं। और डेट भी कैसा हो गया? वन सीड फ्रूट, वन सीड फ्रूट। और ये डेट्स देखिए कितने सारे डेट्स इतने बड़े ट्री में लगे हुए हैं, ये तो आपने पहचान लिया होगा, तो हमें बहुत जगह पे दिख भी जाता है ना? तो ये क्या है? वन सीड फ्रूट, इसका नाम क्या है? डेट। और डेट को हिंदी में क्या बोलते हैं? खजूर। मैंगो, अभी हम जो मैंगो की बात कर रहे थे ना, देखिए मैंगो के बीच में भी ओनली वन सीड इज देयर, कितना है? एक ही बीज है मैंगो के अंदर, तो मैंगो इज ऑल्सो वन सीड फ्रूट। और ये देखिए यहाँ पे बीच बीच में खूब सारे मैंगो ट्री में मैंगो लगे हुए हैं, दिख रहे हैं आपको कितने सारे लगे हुए हैं? आपने मैंगो का प्लांट तो ट्री तो देखा ही होगा, घर जगह जगह पे लगे रहते हैं अपने यहाँ पर। तो ये क्या है? मैंगो ट्री, एंड दिस इज मैंगो, एंड मैंगो इज अ वन सीड फ्रूट। ब्लैकबेरी, अभी अभी हमने एक दो महीने पहले इसको खूब खाया है। क्या है? ब्लैकबेरी, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको?
जामुन, क्या बोलते हैं? जामुन। और देखिए जामुन में भी सिर्फ एक ही बीज है, तो ये भी कैसा हो गया? वन सीड फ्रूट। और ये खूब सारे जामुन लगे हुए हैं, ब्लैकबेरी लगी हुई है, ये देखो खूब सारा लगा हुआ है। ये पहले कैसे होते हैं? ग्रीन होते हैं, फिर उसके बाद में पिंक हो जाते हैं, फिर और डार्क हो जाता है, और धीरे धीरे करके कैसे हो जाते हैं? ये ब्लैक हो जाते हैं। तो ब्लैकबेरी में कैसा है? वन सीड फ्रूट। प्लम, प्लम क्या होता है ये? इसको क्या बोलते हैं, याद नहीं आ रहा मुझे। प्लम, ये भी इसमें भी वन सीड फ्रूट होता है। ये देखिए इसमें एक बीज बीच में है, आपको शायद दिखाई दे रहा होगा। तो प्लम भी क्या हो गया? आलू बुखारा। प्लम को क्या बोलते हैं? आलू बुखारा। हिंदी में इसको बोलते हैं आलू बुखारा। और ये इसका ट्री है, इसमें कितने सारे आलू बुखारा लगे हुए हैं। ये पहले रेड होता है और बाद में डार्क रेड हो जाता है जब ये पक जाता है, और पकने के बाद में ये स्वीट हो जाता है। पहले थोड़ा सा खट्टा रहता है, सॉर रहता है, लेकिन बाद में ये पक कर मीठा हो जाता है। ठीक है, तो प्लम, प्लम को हिंदी में क्या बोलते हैं? आलू बुखारा। तो प्लम इज ऑल्सो वन सीड फ्रूट। अब एग्जाम्पल्स ऑफ मैनी सीड फ्रूट। मैनी जो मैंने क्या बताया था, एक से ज्यादा। मैनी मीन्स एक से ज्यादा। अब यहाँ पर आप पपाया देखिए, पपाया में कितने सारे सीड है ना, बहुत सारे सीड है। और पपाया के सीड को हम नहीं खा सकते हैं, ये पपाया प्लांट है। पपाया ट्री में देखो कितने सारे पपाया लगे हुए हैं। पहले ये ग्रीन कलर के हैं और जब ये पक जाते हैं तो ये कैसे हो जाते हैं? येलो कलर के हो जाते हैं और मीठे भी हो जाते हैं, तो हम इनको खा सकते हैं। तो पपाया के बीज कैसे हैं? पपाया कैसा सीड फ्रूट है? मैनी सीड फ्रूट्स, मैनी सीड फ्रूट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कस्टर्ड एप्पल। कस्टर्ड एप्पल में भी बहुत सारे सीड होते हैं, ये आप यहाँ पे देख रहे होंगे, और हम इसके भी सीड को निकाल कर ही खाते हैं, सीड के साथ में इसको नहीं खा सकते। और ये कस्टर्ड ट्री है, इसमें कितने सारे कस्टर्ड लगे हुए हैं। कस्टर्ड पक जाता है तो वो कैसा हो जाता है? स्वीट हो जाता है। ठीक है, तो कस्टर्ड एप्पल कैसा है फ्रूट? कैसा फ्रूट है? मैनी सीड फ्रूट। यस, अब क्या है ये? पॉमीग्रेनेट। पॉमीग्रेनेट इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? अनार। दिस इज कॉल्ड अनार। अनार के सीड को हम खा सकते हैं, इसमें पूरा ही सीड पूरा फुल ऑफ सीड होता है, तो हमें इसके सीड को ही खाना होता है। और इसके जो अंदर का जूसी जूसी पल्प होता है वो बहुत कैसा स्वीट होता है। तो ये देखिए कितने सारे अनार यहाँ पर उसके ट्री में लगे हुए, कितना सुंदर लग रहा है देखने में, रेड कलर के। ठीक है, और ये क्या है? पॉमीग्रेनेट। ठीक है, अनार। और तो ये कैसा फ्रूट हो गया? मैनी सीड फ्रूट, मैनी सीड फ्रूट। एप्पल, एप्पल में भी बहुत सारे सीड होते हैं, मैंने कुछ बच्चों को बोला भी है आप एप्पल खाइए और उसके सीड को निकाल के एक पेपर में या कटोरी में रखना है और उसको फिर काउंट करना है कि उसमें कितने सीड निकले हैं। लेकिन एप्पल भी कैसा है? मैनी सीड फ्रूट्स। ये एप्पल ट्री है, इसमें देखिए कितने सारे कितने सुंदर सुंदर एप्पल्स लगे हुए हैं। गुआवा, गुआवा भी मैनी सीड फ्रूट्स है, इसमें बहुत सारे होते हैं लेकिन हम इसके सीड को खा सकते हैं, इसके सीड्स को हम खा सकते हैं। ये गुआवा प्लांट में ट्री में लगा हुआ है। तो गुआवा कैसा हो गया? मैनी सीड फ्रूट, और हम इसके सीड को खा सकते हैं, वी कैन ईट। ऑरेंज, ऑरेंज में भी बहुत सारे सीड रहते हैं और उसके सीड बहुत बिटर होते हैं, वी कांट ईट दैट सीड। तो ऑरेंज कैसा हो गया? मैनी सीड फ्रूट। और ये इस टाइप से ऑरेंज प्लांट में ट्री में लगे रहते हैं। वाटरमेलन क्या है? वाटरमेलन। अब आपने वाटरमेलन को खाया होगा तो आपने देखा होगा उसमें भी बहुत सारे बीज अंदर छुपे रहते हैं और हमको उनको निकाल के ही खाना पड़ता है। ये वाटरमेलन का प्लांट है, ये क्रीपर है, ये नीचे ही जमीन पर या पानी पर होता है। ये देखिए इस तरीके से इसका प्लांट होता है, ये आपने देखा यहाँ पर, ये इससे जुड़ा है काउंट। ठीक है, अब नेक्स्ट है स्ट्रॉबेरी।
स्ट्रॉबेरी, आपने स्ट्रॉबेरी खाया होगा, ये इसके बीज ऊपर ही रहते हैं, बाकी जो हमने फ्रूट्स देखे हैं उसके बीज अंदर होते हैं, लेकिन स्ट्रॉबेरी के बीज उस फ्रूट्स के ऊपर ही लगे रहते हैं, तो इसमें इतने सारे सीड है कि वी कांट काउंट, सो ये दिस इज स्ट्रॉबेरी प्लांट। ठीक है, तो स्ट्रॉबेरी भी कैसा है, मैनी सीड प्लांट फ्रूट। जैक फ्रूट, जैक फ्रूट में भी कटहल, जैक फ्रूट को क्या बोलते हैं, कटहल। ये देखिए इसका पेड़, कितने सारे जैक फ्रूट्स लगे हुए हैं, है ना, और ये इसके इसके अंदर के सीड हैं, तो जैक फ्रूट भी कैसा हो गया हमारा, मैनी सीड फ्रूट। ठीक है, तो आज हमने क्या सीखा, क्या सीखा आज हमने, सीडलेस फ्रूट्स, वन सीड फ्रूट एंड मैनी सीड फ्रूट्स। ठीक है, आज हमने बहुत सारे चीजें देखी हैं, आप जब देखेंगे घर पे तो आपको याद आ जाएगा। अब इसे से रिलेटेड एक मैं आपको राइम्स दिखाने वाली हूँ कि फ्रूट्स खाने से क्या होता है। ठीक है, I love fruits, and I love to have fruity things like juices and milkshakes. What kind of fruity things do you like? Ice cream. Oh yes, fruit flavored ice creams are very yummy. Jam. Of course, we get jams in many fruit flavors. Let's sing a song about fruits. Apples are red, juicy and sweet. Mango, the fruit cake is a summer treat. Oranges and sweet, lime are sour and sweet. All the fruits are healthy to eat. Papaya and watermelon are great. Try a custard apple or a fig. Juicy, pulpy, sour or sweet. All the fruits are healthy to eat. Peach, plum, pear and cherries. Pomegranate, plums, strawberries. Salad, juice or milkshake. Healthy meals, fruits will mix. Grapes and bananas are in bunch. Wash all fruits before you munch. Some fruits we must peel. Some we eat with their peel. Pineapple big and has crown. Chili peppers sweet, round and brown. Bitter and lemon are fruits too. Fruits are healthy for me and you. Apples are red, juicy and sweet. Mango, the fruit cake is a summer treat. Orange and sweet, lime, sour and sweet. All the fruits are healthy to eat. Papaya and watermelon are big. Try a custard apple or a fig. Juicy, pulpy, sour or sweet. All the fruits are healthy to eat. Peach, plum, pear and cherries. Pomegranate, guavas and strawberries. Salad, juice or milkshake. Healthy meals, fruits will make. Grapes and bananas are in a bunch. Wash all things before you munch. Some fruits we must peel. Some we eat with their peel. Pineapple is big and has crown. Cheeks are sweet, brown and brown. Ginger and lemon are fruits too. Fruits are healthy for me and you. Thank you.
तो बच्चों आपने देखा कैसी लगी गाइस, अच्छी लगी? और आज हमने क्या देखा, क्या सीखा कि जो हम फ्रूट्स खाते हैं कुछ में सीड होती ही नहीं है और कुछ में वन सीड होता है और कुछ फ्रूट्स मैनी सीड्स वाले होते हैं। तो आगे से जब आप कोई भी फ्रूट्स खाएं तो देखें कि उसमें वो फ्रूट कैसा है, सीडलेस है या विदाउट सीड है या वन सीड है या मैनी सीड वाला फ्रूट है। और जो आपने राइम्स देखी है उसको बार बार देखें और एंजॉय करें। ठीक है, चलिए बाय साईराम।